इमरान ने हार्टन का काफी इंतजार किया लेकिन वो ना आया, तो इमरान अपने साथियों को लेकर वहां से रवाना हो गया। वो अपने साथियों को उसी BMW कार में ले जा रहा था जो उसने मैकपाल के क्लब की पार्किंग से उड़ाई थी। इमरान के जहन में लॉर्ड हेडसन का नाम आया था जो इस सिलसिले में उसकी मदद कर सकता था। उसके जरिए वो ना सिर्फ रहायशगाह हासिल कर सकता था बल्कि उसके जरिए वो ब्लैक हार्ट के हेडक्वार्टर के बारे में भी मालूमात हासिल कर सकता था। लॉर्ड हेडसन का ताल्लुक एक बिग सिंडिकेट से था जिसका ताल्लुक एक्रेमिया के आला हुकाम से भी था। उस पर बड़ी बड़ी एजेंसियां भी हाथ डालने से घबराती थी क्योंकि लॉर्ड हेडसन की सिंडिकेट के पंजे पूरे एक्रेमिया में फैले हुए थे और उसका बराह रास्त रब्ता एक्रेमिया की कई बड़ी एजेंसियों के सरबराहों से था। इसलिए उसे यकीन था कि अगर लॉर्ड हेडसन उसके साथ तआवुन करने पर आमादा हो जाए तो उसे ब्लैक हार्ट हेडक्वार्टर की तलाश में वक्त जाया करने के लिए मजीद जूते न घसाने पड़ेंगे। उसने रास्ते में फोन करके लॉर्ड हेडसन से बात की थी जिसने उसे बताया था कि वो कोर्सन में मौजूद नहीं है। अलबत्ता उसने इमरान को अपने एक खास साथी प्राइड का नाम बताया था कि वो उसे फोन कर देता है, वो उससे जाकर मिल ले, वो उसे हर सहूलत बहम पहुंचा देगा, वो कल जब वापस कोर्सन आएगा तो उससे मुलाकात कर लेगा। इसलिए इमरान अपने साथियों के हमरा लॉर्ड हेडसन के बताए हुए पते पर पहुंचकर उसके साथी प्राइड से मिला जिसने उसका पुरतपाक इस्तकबाल किया और फिर वो उसे लेकर एक रहायशगाह में पहुंच गया। उसके कहने के मुताबिक लॉर्ड हेडसन का फोन आने और उनके कहने पर उसने फौरन उनके लिए रहायश का बंदोबस्त कर लिया था। इमरान और उसके साथियों को उस रहायशगाह में छोड़कर प्राइड इमरान की लाई हुई कार लेकर वहां से निकल गया था ताकि उसे ठिकाने लगा सके। रहायशगाह में एक कार और जीप मौजूद थी जो इमरान और उसके साथियों के इस्तेमाल के लिए काफी थी। इमरान अपने साथियों के हमरा एक बड़े कमरे में मौजूद था कि कमरे का दरवाजा खुला और एक नौजवान हाथ में एक कार्डलेस फोन पीस उठाए अंदर दाखिल हुआ। प्रिंस चीफ बॉस से बात करें, नौजवान ने फोन पीस इमरान की तरफ बढ़ाते हुए कहा, तो इमरान ने उससे फोन पीस ले लिया और फिर उसका बटन प्रेस कर दिया। यस प्रिंस स्पीकिंग, इमरान ने कहा। लॉर्ड हेडसन बोल रहा हूं प्रिंस, क्या आप लोग जिस BMW कार पर आए हैं वो मैकपाल की है? दूसरी तरफ से लॉर्ड हेडसन की आवाज सुनाई दी। हाँ क्यों? इमरान ने चौंक कर हैरत भरे लहजे में कहा। मैकपाल ने इस बारे में हार्टन को बता दिया है और फिर हार्टन के आदमियों ने आपको इस BMW कार पर मेरी तरफ आते चेक कर लिया है, लॉर्ड हेडसन ने कहा। तो फिर इमरान ने सर्द लहजे में कहा, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं हार्टन में खुद ये हिम्मत नहीं थी कि वो मेरे पॉइंट पर हमला करता, इसलिए उसने यहां के एक और इंतहाई ताकतवर ग्रुप आस्कर से रब्ता किया है ताकि आप और आपके साथियों को मुझसे जबरदस्ती हासिल कर सके। लेकिन आस्कर ग्रुप में मेरे आदमी भी हैं, उन्होंने मुझे इतला कर दी है। दूसरी तरफ हार्टन ने मेरे एक दोस्त राफ से बात की है और उसे धमकी दी है कि वो एक्रेमियन फौज को मेरे खिलाफ हरकत में ले आएगा। राफ ने मुझसे बात की तो मैंने उसे कह दिया है कि आप लोग मेरे पास जरूर आए थे लेकिन मैंने आपको अपने पास रखने से इनकार कर दिया है और आप लोग BMW कार पर वापस चले गए हैं। उधर आस्कर को मैंने खुद फोन करके उससे भी यही बात कह दी है कि आप लोग मेरे पास मौजूद नहीं हैं, इसलिए अगर आस्कर ने मेरे खिलाफ कोई हरकत की तो मैं उसके पूरे सिंडिकेट को तबाह करके रख दूंगा। लेकिन उसके बावजूद मुझे शुबा है कि आस्कर बाज नहीं आएगा क्योंकि अगर वो डार्क हार्ट के साथ मिलकर मुझे या मेरे सिंडिकेट को शिकस्त दे दे तो फिर एक्रेमिया में उसकी चौधराहट कैम हो जाएगी, लॉर्ड हेडसन ने कहा। है तो तुम्हारा मतलब है कि हम अब तुम्हारे पॉइंट से वापस चले जाएं, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। ओह नो प्रिंस, मैंने ये बात कब कही है? आप जानते हैं कि मैं एक असूल पसंद आदमी हूँ। असूलों के लिए मैं खुद तो क्या पूरे सिंडिकेट का खात्मा करा सकता हूँ और पूरा एक्रेमिया मेरी इस आदत को जानता है। ये सारी रिपोर्ट मैंने इसलिए आपको दी है कि आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ क्या क्या हो रहा है। बाकी वो BMW कार प्राइड ने ठिकाने लगा दी है, इसलिए अब वो कार किसी को कभी भी ना मिल सकेगी। उसे यहाँ से करीब ही एक पुरानी और गहरी झील में डबो दिया गया है और अब वो कभी सतह पर ना आ सकेगी, दूसरी तरफ से लॉर्ड हेडसन ने जवाब देते हुए कहा। गुड शो, उसके अलावा मैंने प्राइड के जरिए तुम्हें जो एम पैगाम पहुंचाया था उसके बारे में क्या रिपोर्ट है? कुछ मालूम हुआ है कि डार्क हार्ट का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इमरान ने कहा।
इस बारे में भी मैंने सारी मालूमात हासिल कर ली हैं। ये फोन महफूज है, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको सारी बातें फोन पर नहीं बताऊंगा। मैंने प्राइड को स्पेशल ट्रांसमीटर पर सारी तफसीलात बता दी हैं, वो थोड़ी देर में आपके पास पहुंच जाएगा और आपको तफसीलात बता देगा। लॉर्ड हेडसन ने जवाब दिया। ठीक है, और कुछ? इमरान ने कहा। नहीं, और कोई खास बात नहीं। अलबत्ता आपने अपना वादा पूरा करना है। आपने प्राइड से कहा था कि उस काम के लिए आप हमें तसव्वुर से भी ज्यादा मुआवजा दें, लॉर्ड हेडसन ने कहा। हतमी मालूमात हुई तो चेक मिल जाएगा, इमरान ने मुंह बनाकर कहा। आप जानते हैं प्रिंस के लॉर्ड हेडसन जो काम करता है पूरी ईमानदारी से करता है, मुबहम और गैर मुसद्दका मालूमात फराहम करने का सोचता भी नहीं। और आप जैसे कदरदान को लॉर्ड हेडसन कोई गलत मालूमात फराहम करे, ऐसा मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि दुनिया में एक ही इंसान है, प्रिंस ऑफ डम्प, जिसके सामने लॉर्ड हेडसन की भी कोई हैसियत नहीं है। क्योंकि लॉर्ड हेडसन जानता है कि प्रिंस ऑफ डम्प अगर गुस्से में आ जाए तो लॉर्ड हेडसन समेत पूरे एक्रेमिया से उसके सिंडिकेट का सफाया हो सकता है। दूसरी तरफ से लॉर्ड हेडसन ने बड़ी आजजी से कहा, ठीक है, मुआवजा बता दो, मैं उतनी ही मालियत का गारंटेड चेक प्राइड को दे दूंगा, इमरान ने कहा। आपका काम करने के लिए मुझे जगह जगह लंबी रकम खर्च करनी पड़ी है प्रिंस, तब कहीं जाकर असल मालूमात हासिल हुई हैं। बहरहाल आप चूंकि मेरे वेल विशर हैं, इसलिए मैं आपसे ज्यादा मुआवजा नहीं लूंगा। आप सिर्फ प्राइड को $10,00,000 का गारंटेड चेक दे दें। दूसरी तरफ से लॉर्ड हेडसन ने बड़े फहमाशी अंदाज लहजे में कहा। ओके, इमरान ने कहा। थैंक यू प्रिंस, रियली थैंक यू, आप वाकई इंतहाई अजीम और खुले दिल के इंसान हैं। मुझे आपकी खिदमत करके वाकई बेहद खुशी हो रही है। मेरे लायक और कोई खिदमत हो तो उससे भी मुझे आगाह कर दीजिएगा, मैं हर मामले में आपसे तआवुन करने के लिए तैयार रहूंगा, दूसरी तरफ से लॉर्ड हेडसन की इंतहाई मुसरत भरे लहजे में कहा। ठीक है, जरूरत होगी तो मैं खुद ही तुम्हें कॉल कर लूंगा, गुड बाय, इमरान ने कहा, और साथ ही उसने फोन का बटन ऑफ कर दिया। थोड़ी देर बाद प्राइड अंदर दाखिल हुआ। आपकी लॉर्ड साहब से बात हो गई? प्राइड ने पूछा। हाँ, हो गई है, लॉर्ड साहब के कहने के मुताबिक तफसीलात तुम्हें मालूम है, इमरान ने उसकी तरफ गौर से देखते हुए कहा। डार्क हार्ट के हेडक्वार्टर के बारे में हमें जो मालूमात मिली हैं, उन मालूमात के मुताबिक डार्क हार्ट का हेडक्वार्टर कोस्गा के इलाके में है, प्राइड ने जवाब दिया तो इमरान चौंक पड़ा। कोस्गा? ये तो मैदानी और जंगलात से भरा हुआ गैर आबाद इलाका है, जो शायद दारुल हुकूमत से 500 किलोमीटर दूर मशरकी पट्टी पर मौजूद है, इमरान ने चौंक कर कहा। जी हाँ, डार्क हार्ट का हेडक्वार्टर उसी इलाके में बनाया गया है ताकि उसे शरपसंदों और खास तौर पर गैर मुल्की एजेंटों से महफूज रखा जा सके। हेडक्वार्टर की इमारत जंगल के वस्त में है और इस हेडक्वार्टर की हिफाजत के फूल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। जंगल में वाइल्ड फोर्स तैनात है जिसका तल्लुक डार्क हार्ट से ही है, और इस जंगल में पूरी जाँच पड़ताल के बाद ही किसी को जाने दिया जा सकता है, क्योंकि इस जंगल में शिकार नाम की कोई चीज नहीं है और ना ही है ये खतरनाक जंगलों में शुमार होता है, इसलिए लोग इस जंगल का रुख नहीं करते। इस जंगल से सिर्फ दरख्तों को काटकर मुख्तलिफ शहरों में भेजा जाता है। दरख्तों की कटाई का काम मखसूस ठेकेदारों ने हासिल कर रखा है, लेकिन वो भी जंगल में मौजूद वाइल्ड फोर्स की निगरानी में दरख्त काटते हैं, और फिर इन दरख्तों को वाइल्ड फोर्स की निगरानी में ही जंगल से बाहर ले जाया जाता है। बहरहाल इतला के मुताबिक इस जंगल पर उस वक्त सारा कंट्रोल डार्क हार्ट और वाइल्ड फोर्स का है। उसकी बुनियादी वजह जंगल में मौजूद डार्क हार्ट के हेडक्वार्टर को महफूज रखना नहीं है, बल्कि डार्क हार्ट के हेडक्वार्टर के नीचे एक्रेमिया की एक बड़ी साइंसी लेबॉरेटरी भी काम कर रही है, जो वाइल्ड लेबॉरेटरी के नाम से पहचानी जाती है। इस लेबॉरेटरी में नए और जदीद तर्ज के मिजाइलों पर रिसर्च भी की जाती है, और यहाँ टेस्टिंग के लिए मिजाइल भी तैयार किए जाते हैं। इस लेबॉरेटरी को एक्रेमिया में खसूसी अहमियत हासिल है, क्योंकि जब तक इस लेबॉरेटरी में बनाए गए मिजाइलों का कामयाब तजर्बा न कर लिया जाए, उस वक्त तक इन मिजाइलों की तैयारी के लिए फैक्ट्रीज नहीं बनाई जा सकती। वाइल्ड लेबॉरेटरी से हर किस्म के टेस्ट मिसाइल तैयार करने के बाद उनकी बाकायदा टेस्टिंग की जाती है और फिर उसे बनाने की इजाजत दी जाती है, प्राइड ने जवाब दिया।
ओह, इसीलिए डार्क हार्ट की वाइल्ड फोर्स ने इस जंगल को अपना मस्कन बनाया हुआ है, इमरान ने कहा। जी हाँ, और इस इलाके में आने जाने वाले तमाम रास्तों पर भी वाइल्ड फोर्स ने पिकटिंग कर रखी है। जहाँ चेकिंग के सख्त तरीन इंतजाम मौजूद हैं, वहाँ शायद ही ऐसा कोई रास्ता मौजूद हो जहाँ पर चेकिंग के सख्त तरीन इंतजाम मौजूद ना हों। उसके अलावा जंगल के चंद मखसूस पॉइंट्स पर एयरक्राफ्ट गनों और तैयारा शिकन तोपों के साथ मिसाइल लॉन्चर भी नस्ब हैं, ताकि अगर किसी अनजान जहाज या हेलीकॉप्टर को उस तरफ आते देखा जाए तो उसे रास्ते में ही हिट कर दिया जाए, प्राइड ने कहा। ठीक है, क्या तुम हमें कोसगा पहुंचाने का इंतजाम कर सकते हो, इमरान ने होंठ चबाते हुए कहा। जी हाँ, लॉर्ड साहब को मालूम था कि जब आपको डार्क हार्ट के हेडक्वार्टर की लोकेशन का इल्म होगा तो आप लामहाला वहां जाने के लिए तैयार हो जाएंगे, इसलिए लॉर्ड साहब की हदायत के मुताबिक मैंने आपको कोसगा पहुंचाने के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं, प्राइड ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या इंतजामात किए हैं बताओ, इमरान ने कहा। अभी थोड़ी देर बाद एक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर पर यहां पहुंच जाएगा, जिसमें आप सबको मैं एक वैरान साहिल पर ले जाऊंगा। इस साहिल पर एक ताकतवर लॉन्च मौजूद होगी। उस लॉन्च के जरिए हम समुद्र में मौजूद एक सामान ले जाने वाले एक बैरी ट्रालर में पहुंच जाएंगे और फिर ये ट्रालर हमें जजीरा करामी पहुंचा देगा। करामी पहुंचकर हम हर तरह से महफूज हो जाएंगे। करामी से हेलीकॉप्टर के जरिए हम बराह रास्त कोसगा पहुंच जाएंगे। ये सारा सेटअप मैंने इंतहाई सोच समझ कर तैयार किया है। उससे हम रास्ते में मौजूद एग्रेमियन बैरी फौज, डार्क हार्ट के तमाम सेक्शनों और ऐसी ही दूसरी तमाम रुकावटों से बच जाएंगे और किसी को भी मालूम हुए बगैर खामोशी से कोसगा पहुंच जाएंगे, प्राइड ने जवाब दिया। हमारे साथ कौन कौन जाएगा, इमरान ने पूछा। मैं खुद साथ जाऊंगा, प्राइड ने कहा। ओह नहीं, तुम्हारा साथ जाना ठीक नहीं है। तुम अगर यहाँ से गायब हो गए तो हार्टन को शक पड़ जाएगा। वैसे भी तुम्हारा नाम सामने आने के बाद अब ये लोग बैरी नाकाबंदी की तरफ खास तवज्जो देंगे, इमरान ने कहा। आप मेरी फिक्र न करें प्रिंस, मेरे खास आदमी साथ होंगे और मेरी मौजूदगी की वजह से वो पूरी तरह होशियार रहेंगे। उसके अलावा लॉन्च और ट्रालर में इंतहाई जदीद तरीन असला भी मौजूद होगा। इस तरह हम हर सूरत हाल का मुकाबला कर लेंगे, प्राइड ने कहा। तो क्या तुम हमें उस जंगल तक ले जाओगे, और उस जंगल का नाम क्या है, इमरान ने पूछा। जी हाँ, और इस जंगल को ग्रीनफील्ड कहा जाता है और ये इसी नाम से मशहूर है, और वहां तक आने जाने की सारी जिम्मेदारी मेरी होगी, प्राइड ने कहा। ठीक है, फिर हमने कब रवाना होना है, इमरान ने इस्बात में कहा। बस एक घंटे तक हेलीकॉप्टर पहुंच जाएगा और फिर हम रवाना हो जाएंगे, प्राइड ने कहा। हेलीकॉप्टर के अलावा और कोई जरिया नहीं है, हेलीकॉप्टर तो निगरानी करने वालों को नजर आ जाएगा, इमरान ने कहा। ओह नहीं, उसकी आप फिक्र न करें, हेलीकॉप्टर पहले मुखालिफ सिमत में सफर करेगा और फिर एक लंबा चक्कर काटकर वहां पहुंच जाएगा जहां लॉन्च मौजूद होगी, प्राइड ने कहा। ओके ठीक है, हम मुंतजिर हैं, इमरान ने कहा और प्राइड मुड़ा और तेज तेज कदम उठाता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। इमरान ने अपने साथियों को तफसीलात बताई तो सबके चेहरों पर परेशानी के तसरात ऊपर आए। हम चूहे की तरह चूहेदान में फंस गए हैं, कहाँ रहता है ये हार्टन, मेरे साथ चलो, हमें पहले उसका खात्मा करना होगा, तनवीर ने बिगड़े हुए लहजे में कहा। क्या हार्टन के ख़त्म हो जाने से डार्क हार्ट के सारे सेक्शन ख़त्म हो जाएंगे, ये तो हमारी किस्मत अच्छी है कि डार्क हार्ट हार्टन की कारकर्दगी पर मुकम्मल एतमाद किए हुए है और हार्टन भी अपने क्रेडिट के चक्कर में इस मामले में फ़ौज को इस्तेमाल नहीं कर रहा, वरना हमें हलाक करने के लिए वो अपने तमाम सेक्शन को हरकत में ला सकता था, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। मेरा ख्याल है हार्टन लामोहाला बैरी नाकाबंदी करने की कोशिश करेगा और उसके लिए वो एक्रेमियन नेवी को हरकत में ले आएगा, कैप्टन शकील ने कहा। जो होगा देखा जाएगा, अभी से इस मामले में फिक्र करने की जरूरत नहीं है, इमरान ने बेनियाजाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। आपको लॉर्ड हेडसन पर कुछ जरूरत से ज्यादा ही एतमाद है, सफदर ने कहा। मुझे लॉर्ड हेडसन की जहानत पर यकीन है कि उसने बहुत सोच समझ कर ये सारा सेटअप बनाया होगा, उसके बावजूद भी अगर कुछ होता है तो फिर उससे निमट लिया जाएगा, इमरान ने जवाब दिया और सबने इस बात में सर हिला दिए।
इमरान साहब, क्या किसी आप दोस्त का बंदोबस्त नहीं हो सकता? कैप्टन शकील ने कहा। हो सकता है, लेकिन वो आप दोस्त एक्रेमियन नेवी की होनी चाहिए, वरना तो शायद हम एक इंच भी आगे ना बढ़ सकें। इमरान ने जवाब दिया और सब साथियों ने इस्बात में सर हिला दिए। अब तुम सब जाकर तैयार हो जाओ, अपने साथ मेकअप किट्स भी रख लेना, उसकी हमें कहीं भी ज़रूरत पड़ सकती है, इमरान ने कहा और वो सब सर हिलाते हुए उठे और कमरे से बाहर निकलते चले गए। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।